नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी है। G23 ये था, है या होगा, सवाल ये नहीं। आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में 2019 यानी कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से लेकर आज सोनिया गांधी के खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने तक क्या कांग्रेस खुद कंफ्यूज थी? क्या जिस CWC में सोनिया गांधी ने खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बताया, क्या उस CWC के सदस्य ही ये नहीं जानते थे कि सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि पूर्णकालिक अध्यक्ष है? साथ ही क्या सोनिया के इस बयान का मतलब अब यह भी है कि जो डिसीजन पावर अब धीरे धीरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में बीते कुछ महीनों से दिखाई दे रही थी, क्या वो एक बार फिर से सोनिया गांधी तक सिमट गई है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में फ्री हैंड से काम करने की राहुल गांधी की मंशा पर सोनिया की अध्यक्षता हावी पड़ गई है? सवाल यह भी कि क्या सोनिया गांधी को पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सियासी खींचतान के बाद यह अंदाजा लगा कि कांग्रेस को संभालने और एक रखने के लिए जरूरी है कि डिसीजन पावर एक हाथ में रहे, और वो क्या वर्तमान स्थिति में सोनिया गांधी है? मैं हूं ना का कांग्रेस में भविष्य के तौर पर मतलब क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस में कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। कई बार अध्यक्ष के लिए चुनाव की बात भी कह चुके हैं। तो क्या सोनिया ने आज ये कहकर कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को लेकर उठ रहे सवालों को विराम लगा दिया, या फिर उन सवालों को जन्म दिया जो अब उठते हैं कि अगर सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष थी तो फिर CWC के सदस्य को ही ये जानकारी क्यों नहीं थी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं CWC सदस्य और कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा जी। रघुवीर मीणा जी, चर्चा में आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगा सर। क्या यह जानकारी 2019 से लेकर 2021 में लगी कि जिनको अभी तक अंतरिम अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष समझ रहे थे, दरअसल वही पूर्णकालिक अध्यक्ष थी? एक्चुअल में देखो, इसको ज़्यादा विवाद का कारण बनाए ऐसा कुछ है नहीं। जी, ऐसा मीटिंग में ये बात चली कि इस तरह से परसेप्शन लोग पेश करते हैं कार्यकाली, तो किसी ने ये कहा वक्ताओं ने कि भाई आप फैसले ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये इस तरह के कार्यकालिक या पूर्णकालिक या अर्धकालिक कहना कोई ज़्यादा रिजनेबल बात नहीं है। ये एक बात में बात कही थी, इसमें कोई ज़्यादा विवाद जैसी बात नहीं है। जी सर, AK एंटनी जी ने भी प्रस्ताव रखा, कहा कि राहुल गांधी को अब अध्यक्ष बनाना चाहिए। जनभावना यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना यही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उसका समर्थन किया। तो जब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है तो फिर नए अध्यक्ष की बात क्यों? देखो, निश्चित तौर पे AK एंटोनी जी ने ये बात रखी कि भाई पूरे देश की भावना है, कांग्रेसमैन की भावना है, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उस बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत जी ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि इस देश का DNA और कांग्रेस का DNA एक है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश को एक रखा है, विकास में आगे बढ़ाया है और स्थायी शासन दिया है। आज उन्होंने कहा, हम खुद भी कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए 50 साल होने आ गए जी, और हमने इस कांग्रेस पार्टी की महानता देखी है, कांग्रेस पार्टी का बलिदान देखा है, इस परिवार के प्रति जो लोगों की भावना है उस भावना के कदर करते हुए और देश की एकता को अखंड रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सक्रिय रहे। ये
ये अपेक्षा पूरे देश की है, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी युवा हैं और देश में युवा की आवश्यकता है, पूरी पार्टी को एक रख सकते हैं, देश को एक रख सकते हैं और बहुत साफ मन के व्यक्ति हैं जी, पवित्र व्यक्ति हैं। आज नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो मन में दोगलापना रख के बात करते हैं इस देश के सामने, उनका मुकाबला करने का वाला व्यक्ति जी राहुल गांधी ही है। तो सर फिर एक साल इंतजार क्यों करना है? 2019 से पहले वही अध्यक्ष थे, 21 में आकर पता चल रहा है कि कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष है, अब पता चल रहा है कि 2022 में चुनाव होंगे, उसके लिए राहुल गांधी को अध्यक्ष चुना जाना है। मेरा सवाल यह कि जब आपको या पूरी CWC को लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष होने चाहिए बीजेपी से लड़ने के लिए, तो तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष बनाया जाए। नहीं देखो, चुनाव का घोषणा हुई है, चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है, तो वो तो घोषणा के अनुसार जैसा समय आएगा तभी फैसला हो पाएगा, एडवांस में फैसला थोड़ी हो पाएगा जी। मेंबरशिप होगी, मैं शेड्यूल बनाए, ब्लॉक के चुनाव होंगे, जिलों के होंगे, स्टेट के होंगे, फिर राष्ट्रीय चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर समय के अनुसार ही होगा, उसमें कोई डिले वाली बात नहीं। तो सर क्या सोनिया गांधी जी जो आज कह रही हैं कि पूर्णकालिक अध्यक्ष है, वो भी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष बनी है? नहीं देव, सोनिया गांधी जी ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, ये तो हमारे जैसे वक्ता थे, उन्होंने कहा कि परसेप्शन ये दिया जाता है कि आप अर्धकालिक हो या पूर्णकालिक हो, इसका अर्थ ये निकाला गया है, इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पूर्णकालिक हूँ। तो सर बताइए ना, चलिए इस कंफ्यूजन को आप ही दूर कीजिए, आप CWC के सदस्य हैं, कांग्रेस के पास इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है या पूर्णकालिक अध्यक्ष है, कौन से अध्यक्ष हैं इस वक्त? देखो मैं भी ये कहता हूँ कि जब सोनिया जी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रही हैं, तो पूर्वकालिक और अर्धकालिक में अलग थोड़ी हुआ होता है, फैसले वो करती हैं सारे, जब फैसले जब कर रही हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ गया, एक शब्दों का फेर है, अर्धकालिक या पूर्णकालिक, ये शब्दों का ही फेर है ना जी। सर ये शब्दों के फेर ही तो फंसाते हैं, कपिल सिब्बल यही तो कहते हैं कि हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है, डिसीजन कहां से हो रहा है, कौन ले रहा है, कोई नहीं जानता, ये CWC के सदस्य ही तो सवाल उठाते हैं सर। देख ये आज मीटिंग में यही बात आई कि कई गुलाम नबी जी जैसे व्यक्ति वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि जो ये नाम दिए जाते हैं ना शब्दों में कि एक 11 21 ने जो नाम दिए जाते हैं, इन नामों में कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने 50-50 साल कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को मानते हुए काम किया है जी। तो निश्चित तौर पे आज हम कांग्रेस को गर्त में जाते हुए नहीं देख सकते हैं या कांग्रेस को कोई नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हैं, और इस देश के हित में कांग्रेस पार्टी इस देश में राज करे, ऐसा हमारी सबकी भावना रहती है। रघुवीर जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, और इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल जी हैं। लेकिन महेश शर्मा जी, क्या आज सोनिया गांधी ने जो कहा उसका मतलब ये निकाले कि अब कांग्रेस भ्रम की स्थिति में ना रहे, नेता इस तरीके के बयान बाहर जाकर ना कहे कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है? सोनिया गांधी ने सीधा कहा कि मैं ही अध्यक्ष हूं, अब इसको आप पूर्णकालिक कहिए, अंतरिम कहिए, कार्यकारी कहिए, लेकिन डिसीजन मेरे पास ही होंगे, आपको मीडिया में जाना नहीं। क्या इससे एक विराम कम से कम उन नेताओं पर लगेगा जो अलग अलग तरीके के बयान देते थे? इसमें कोई दोराय नहीं है कि इसमें विराम लगेगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अब मैं हूँ ना, मैं ही कह, जब भी कांग्रेस पर कोई ऐसी विकट स्थितियाँ आई है, जब चाहे वो बिखराव की स्थितियाँ रही हो, आपने देखा होगा इससे पूर्व UPA गवर्नमेंट बनने से पहले कि आप हालात देखिए कांग्रेस में, जिस तरह से सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे जी, उस दौरान जब कांग्रेस का जिस तरह से मतलब हो रहा था, उस समय भी ये सोनिया गांधी खड़ी हुई और उन्होंने कांग्रेस को एक करने की कोशिश की, और उसका नतीजा है कि 10 साल तक इन्होंने कांग्रेस नीत गठबंधन ने शासन किया देश पे। तो ये मान के चलिएगा कि ये गांधी परिवार के साथ
कांग्रेस इनके अम्ब्रेला के नीचे कांग्रेस संगठित रह सकती है, और अगर जहां इन्होंने वहां से मतलब अपना इंडिपेंडेंट इनको शुरू कांग्रेस के नेताओं को इंडिपेंडेंट काम करने की जहां मोहलत दी है, और वहीं मतलब गुटबाजी से मतलब कांग्रेस कमज़ोर हुई है। अब आप ये जैसे जिस तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से जो जिस तरह से हालात बने कांग्रेस में जी, जैसे जी 23 के जो नेता जो अलग अलग बयान करके एक अलग से मतलब समूह मना करके अलग अलग सभाएं में बैठ के करने लगे, और जो जो भी स्टेटमेंट वो देते रहे, तो ऐसे असमंजस स्थिति कांग्रेस इस समय विपरीत माहौल में अपने आप का मतलब वजूद बनाने के लिए खड़ी हुई है, और इसके लिए इन्होंने अब ये आज जो बयान है तो मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस का वजूद है और कांग्रेस एक ही मतलब क्या आदम रहेगी, इसका इन्होंने आज ये अपने बयान से ये मैसेज दिया। लेकिन इसका क्या दूसरा संदेश ये भी गया कि दो साल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दिया गया कि आप अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाई, और जब वो चलती हुई दिखाई नहीं दी तो अंत में सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ, अब जो भी समस्या हो सीधा मेरे पास आई है। नहीं, जहाँ अब आप ये देखिएगा कि इसमें जहाँ इन जो इंडिपेंडेंट जो चार्जेस दिए जिस तरह से उनको राहुल को और प्रियंका को दिया, और जहाँ कहाँ वो जो अभी चूंकि वो नए नए मतलब रहे हैं तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, खासकर कांग्रेस में एक जो बुजुर्ग वर्ग के जो जो नेता हैं वो राहुल को एक्सेप्ट उनकी मतलब उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं तो 2022 में फिर कैसे तैयार करेंगे? ये इसी के लिए एक तैयार एक मैच्योरिटी करने की, ताकि उनकी देखरेख में ये सब मैं प्रियंका और राहुल जो है ये नेतृत्व और अच्छी तरह से दे सके, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसका कारण ये तो नहीं कि अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, अगर उसके परिणाम विपरीत आ गए तो उसका भी ठीकरा फिर एक तरीके से राहुल गांधी पर जा सकता है, भविष्य पर सवाल हो सकते हैं, इसलिए सोनिया गांधी ने होल्ड किया कि एक साल होल्ड कीजिए? नहीं, इस समय सबसे बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस अभी जो है जो जो चुनाव हुए हैं 2014 2019 के बाद में और अन्य प्रदेशों में जो चुनाव में जो कांग्रेस के विपरीत परिणाम आए हैं, ऐसी सूरत में कहीं हताश न हो जाए पूरा एक संगठन, तो इसके लिए एक छत्र छाया एक जो जिसे बोलते हैं कि बैक में किसी का हाथ होना, तो ये सोनिया गांधी जी ने अपना इस माध्यम से मैसेज दिया है कि अब बिखराव की स्थिति नहीं आए और किसी न किसी रूप में इस कांग्रेस को वापस से संगठन को खड़ा करने की जरूरत है, और इसके लिए उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कितने नेताओं के नाम मैं गिनाऊं जो कहते हुए कि अब राहुल गांधी को जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, अब राहुल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए, और ये सब वो नेता हैं जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे हैं या कांग्रेस में बड़ी पोजीशन पर हैं। क्या उनको ही आज तक ये जानकारी नहीं थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, वही जिम्मेदारी संभाल रही हैं, इस तरीके के बयान ना दिए जाएं? देखिए विजेंद्र जी, सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान उस समय संभाली जब बहुत मुश्किल समय था, चुनौतियों भरा समय था और कांग्रेस में बिखराव था, और उस समय उनके नेतृत्व ने देश को यूपीए की गवर्नमेंट दी, दो टेन्योर दी, 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट दी और एक बहुत ही अच्छा शासन, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं दी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्याग कर अपनी एक मिसाल भी उन्होंने कायम की कांग्रेस के सामने, जिसको कांग्रेस में जाना जाता है कि त्याग बलिदान की ये पार्टी है, उसको सोनिया गांधी जी ने अपना। क्या अभी भी वही बिखराव की स्थिति जिसमें फिर से? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी हाँ, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी अगर हम देख रहे थे तो ऐसा नहीं है, 2000 अगर हम अभी 19 की और 20 की बात करते हैं तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व को लेकर के चुनाव की बात थी वो रखी गई थी, और ये जो चुनाव जो आप जब 2022 के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2 साल ही ऐसा नहीं था क्या, ये समय निकला है कोविड का, और कोविड की आपने खुद सोनिया जी के अगर स्टेटमेंट को अगर आपने स्टार्टिंग में सुना हो जिसमें उन्होंने संगठन के इलेक्शन के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, उसमें उन्होंने कहा भी है इस बात को कि कोविड की वजह से आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी इतने टाइम बाद हो रही है और इस वजह से इस चुनाव को आगे टाला गया है, मीटिंग के लिए तो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की तरफ से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में हम देखा गया कि डिसिप्लिन की कहीं कुछ कमी महसूस की गई या डायरेक्ट मीडिया में जाकर के अगर नेताओं द्वारा बात की गई तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के हित के लिए कांग्रेस पार्टी को यूनाइट होना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, किसी को कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी, इसको बात पूर्णकालिक कह रहे थे कि हमें
पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, उस दौरान ये बयान क्यों नहीं आया कि ये आप सवाल ही कैसे रेस कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ बात पूर्णकालिक अध्यक्ष की और इस तरह के अध्यक्ष की बात ही नहीं है, लेकिन अगर अध्यक्ष को आप बात ना कह करके और अगर मीडिया में अगर बात को कह रहे हैं तो सोनिया जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को डिसिप्लिन में रहना होगा, उन्हें अगर कोई भी बात करनी है, अपनी कोई भी समस्या कहनी है, कोई भी अपना स्पष्ट, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक और बात कही कि मैं स्पष्टता को सुनना चाहती हूँ, सुनती हूँ, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप एक स्टेटमेंट को लेकर के नहीं, आप बहुत सारे स्टेटमेंट, आज सोनिया जी ने जो अपना वक्तव्य जो स्टेटमेंट दिया, मुझे बताइए अगर वाकई में सुना जा रहा था, कितने नेता हैं जो कांग्रेस, कितने टॉप मोस्ट लीडर्स हैं कांग्रेस के जो छोड़कर चले गए? नहीं, मैं कितनी तो बार G23 की तरफ से नेताओं के बयान आए, कहीं नेता अगर डायरेक्ट मीडिया के पास जा रहे हैं, अगर बीजेपी की वो राजनीति चल रही है जहां तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मैम अगर आप अनुशासन की बात कर रहे हैं ज्योति खंडेलवाल जी, या तो ये कहिए कि वो सब अनुशासन में है, अगर वो अनुशासन में नहीं है तो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? एक अध्यक्ष के तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी उन पर जब वो भ्रम पैदा कर रहे थे। आप अगर देख रहे हैं कि अगर उन्होंने अगर कहीं भी कुछ भी कहा है तो कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उस बात को कहा भी गया है, और अगर उन्हें नहीं मानी है तो उस पर ध्यान भी नहीं, उन्हें कहा गया ठीक है हमारी कांग्रेस पार्टी, अगर आप कांग्रेस की नीति पर चलना चाहते हैं, इसीलिए 10 दिन पहले तक बयान आ रहे थे, यही स्थिति को कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है, तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ इसी स्थिति को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी बहुत ही स्पष्ट रूप से कि आपको कांग्रेस कोई भी बात कहनी, कांग्रेस मुझे आप कहते रहे, बीजेपी आरोप लगातार लगाती रही कि अध्यक्ष नहीं अध्यक्ष नहीं, सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उन्होंने बता दिया है, अभी कोई कंफ्यूजन बीजेपी को? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको अंतरिम अध्यक्ष बनाते हैं, किसको उपाध्यक्ष बनाते हैं। जी अगर उनका आंतरिक मामला तो क्यों आपके बड़े लीडर ये कहते हैं कि एक परिवारवाद तक सीमित है? विजेंद्र जी मेरी बात छोड़ दीजिए, फिर विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। देखिए कांग्रेस में चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हों, ये सारे देश को पता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार चला रहा है, अब वो किसी भूमिका में चला रहा है, चाहे वो महासचिव की भूमिका में चला रहा है, चाहे उपाध्यक्ष की भूमिका में चला रहा है, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में चला रहा है। आप देखिए आज सबको जानकर के आश्चर्य हुआ है कि 2 साल बाद जिसको हम सब अंतरिम अध्यक्ष कह रहे थे वो शायद पूर्णकालिक अध्यक्ष निकला। आपको विजेंद्र जी मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप चुप रहिए एक मिनट अर्चना जी, एक देखिए पहली बात मैडम ज्योति जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक मिनट आप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, विजेंद्र जी 2019 में जब कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में, तो राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया था तो आप सबको ध्यान होगा उन्होंने कहा था कि अब जो नया अध्यक्ष बनेगा वो नॉन गांधी बनेगा, तो ये नॉन गांधी फिर कहां गायब हो गया बताइए? वो चर्चा आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगला अध्यक्ष नॉन गांधी बनेगा, उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है कि अगर कोई नॉन गांधी बनता है तो उनको दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों बयान में दिन रात का अंतर है सर, आप अपने हिसाब से बयान, देखिए हुआ नहीं। देखिए मैं अभी सुन रहा था, शायद अभी जो भी कांग्रेस के आपकी जो लाइफ पे थे रघुवीर मीणा जी थे, सांसद रह चुके हैं सर, जानते होंगे आप बखूबी, CWC मेंबर हैं जी, जो है तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को गर्त में जाते हुए नहीं देख सकते, इसका मतलब कांग्रेस की जो स्थिति है वो उन्होंने बताई है जी। अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले इन्होंने कन्हैया कुमार को ज्वाइन कराया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि कांग्रेस क्या एक डूबता हुआ जहाज है, आज गुलाम नबी जी कह रहे हैं कि गर्त में जा रही है, तो सबको बताया आप देश में मात्र यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को लेकर कितने बयान दिए, जितिन पटेल ने कितने बयान दिए, और नाम गिनाऊं सर जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, आज वो बीजेपी का पानी पी रहे हैं। किसने कह दिया गर्त में? हम कांग्रेस का नुकसान नहीं हो, कांग्रेस का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते देश में, अभी आपकी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फासिस्ट ताकतों द्वारा कांग्रेस को सुनाया वो बताया, उन्होंने यही शब्द प्रयोग किए थे, आप चाहे तो बैंक में उन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस को गर्त में जाते हुए नहीं देख सकते, जो मैंने सुना है और शायद आपने भी ये सुना होगा, मैं गलत नहीं सुन रहा हूँ? नहीं बयान तो बयान तो नेताओं के आते रहते हैं, पार्टी बदलती है बयान बदल जाते हैं, बयान नहीं कर रहे हो, अरे बयान क्या आप देख लीजिए ना, आप नहीं गलत बयान कर रहे हो, में से आप 2-3 राज्यों पे सिमट चुके हो, बीजेपी के भी ऐसी स्थिति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतता है कोई हारता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, अरे ज्यादा घमंड पालने की जरूरत नहीं, लेकिन आशीष आशीष चुनाव के पैमाने पर, आशीष चुनाव के पैमाने पर आप कहेंगे इसका मतलब तो बीजेपी राजस्थान में गर्त में है,
नहीं कोई गलत नहीं, मतलब तो गर्त में आज हमारे एक मिनट विजेंद्र जी, चुनाव हारने से कोई पार्टी अस्तित्व थोड़ी ना खो देती है। विजेंद्र जी एक मिनट देखिए, आप सत्य को ढंग से समझिए। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बेहतर एमएलए विपक्षी दल है, आप लगातार सरकार है, पूछ रहा हूँ विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बताइए आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, बताइए आप। राजस्थान में लगातार 25 में से आप 2 बार 0-0 आपके सांसद रहे हैं। लोकतंत्र है जिसकी वजह से देश को जिस तरह से गुमराह करके देश में शासन में आ गए हो ना। जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिम्मेदारी ली थी, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई नॉन गांधी परिवार से नॉन गांधी अगर अध्यक्ष होता है तो उनको समस्या नहीं, वो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो 2022 में राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे या कोई नॉन गांधी होंगे? ये उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम बढ़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का परिवार का मामला है, देश के कार्यकर्ताओं का मन है। आज भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और देश के कार्यकर्ता और देश की जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी देश की बागडोर संभाले। युवा है और इस परिवार ने इस देश के लिए कुछ कुर्बानियां दी हैं। ये जो शासन में बैठे हैं ना, झूठे झूठे जुमले सुना के जी, ये जुमले तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे। तो सर अभी माने कि एक साल कम से कम अब अध्यक्ष पद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं कांग्रेस में? भारतीय जुमला पार्टी है, ये जुमला पार्टी है, जुमला। रघुवीर मीणा जी, एक साल कोई कंफ्यूजन नहीं, एक साल ये सवाल ही नहीं कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, राहुल गांधी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, जब चुनाव होंगे तब ये बात होगी, अभी तो ये बात नहीं होगी अगले 2 महीने 3 महीने 6 महीने एक साल तक। पूरे सदन ने आज सर्वसम्मति से निवेदन किया है और उन्होंने कहा है समय आएगा तब देखेंगे, अभी इतने जल्दी बात करने की आवश्यकता नहीं। सर समय क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी नहीं आया कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाले? अरे भी चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है, 1 नवंबर से मेंबरशिप होगी, आगे नीचे इकाई के चुनाव होंगे, जिलों के होंगे, प्रदेश के होंगे, तब जाके समय आएगा ना। अभी नॉमिनेशन फाइल थोड़ी हो रहा है जो जी, अब सबने पूरे देश की भावना बता दी उनको और वो कहीं ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं चला के मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ जी। लेकिन पूरी कांग्रेस की इच्छा तो ये है ना, पूरी कांग्रेस तो चाहती है। ठीक है महेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या ये माने कि सोनिया गांधी ने जो आज बयान दिया उसे कम से कम कांग्रेस के अंदर एक संदेश गया है कि इसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन से कांग्रेस कमजोर होगी और अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो सबको नुकसान होगा। जिस तरह से अभी विगत में जितने अरसे से लगातार जिस तरह का जो माहौल बन रहा था देश में कांग्रेस के प्रति, और जैसा कि मतलब एक पूरा मैसेज ये जा रहा था कि कांग्रेस मतलब बिखराव पर गए, अंतिम सांस ले रही है, या ओपीडी गेंद में वहाँ पड़ी ऑपरेशन थिएटर पे है, तो इन सारी चीज़ों को ये एक नेता की गुण होता है कि वो इसमें प्राण फूके और वास्तव में उसको उसमें आत्मबल पैदा करें, वो उस भूमिका में मतलब सोनिया जी तैयार हुई है। और साथ ये भी मैसेज देने की कि हम नेक्स्ट जो चुनाव होंगे हमारी आंतरिक जो चुनाव होंगे कांग्रेस के, तो उसके लिए हम ये एक प्रोग्राम तय कर रहे हैं और अगला चुनाव अगले मतलब क्या कहते हैं ना नेक्स्ट जो अध्यक्ष का और नई कार्यकारिणी जो बनेगी उसके लिए ये ठीक है। हाँ या ना मैं बताइए, जिस तरीके की भूमिका आज राहुल गांधी के लिए तैयार की गई CWC में, हालांकि लंबे टाइम से वो भूमिका तैयार की जा रही है, तो माने कि जब 2022 में चुना जाएगा तो राहुल गांधी इकलौते होंगे, कोई उनके सामने नहीं होगा, नॉन गांधी की बात ही ना करें? नहीं नहीं ये सुन, पहले इसमें राहुल गांधी का जो अगर विचार देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भाई जो इसमें क्या है, ये एक इकाई है, इसमें स्वतंत्र रूप से कोई भी आकर के चुनाव लड़ सकता है, नॉन गांधी भी लड़ सकता है जी। अब वो अगर किसी की मतलब है पार्टी में कोई बनने की है तो वो बनेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के कि जो एक मंत्र जो इसमें जो संदेश दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मैं हूँ अभी मैं हूँ इसलिए कांग्रेस है और कांग्रेस को बचाए रखना है, सबसे बड़ा मकसद यह है। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथ में कुछ डिसीजन पावर नजर आ रही थी, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो,
और भी जहां पर समस्याएं थी तो फ्रंट फुट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आती थी। माने कि अब कुछ वक्त के लिए सोनिया गांधी सामने नजर आएंगी। देखिए सोनिया गांधी जी तो निश्चित रूप से हमारी अध्यक्ष थी और अभी अगर पिछले कुछ समय देख रहे हैं तो हैं और उनके पास निर्णायक भूमिका भी है। और ये जो बार बार परिवारवाद की बात करते हैं हमारे अपोजिशन पार्टी वाले, हमारे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है जहाँ पे नॉन गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अच्छा कार्यकाल रहा है। दूसरी बात, एक और बात भी मैं कहना चाहूंगी, उस परिवार को भी हम नहीं दरकिनार कर सकते आपकी तरह कि आप ही की पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों को आप साइडलाइन कर देते होंगे, लेकिन उस परिवार ने जिसने देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, वो निश्चित रूप से हमारे सर माथे पर है। और हम चाहते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि उस परिवार की भूमिका हमेशा कांग्रेस पार्टी में एक बहुत अच्छी भूमिका रहे। आने वाले वक्त में 2-3 महीने में क्या हम सोनिया गांधी जी के देश भर में व्यापक दौरे देख सकते हैं बतौर अध्यक्ष? क्या हम सोनिया गांधी के व्यापक दौरे देख सकते हैं देश भर के अंदर? निश्चित रूप से कोरोना का ये समय अब कम होता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और पिछले कुछ समय में अगर रुके भी हैं तो वो इसकी वजह भी यही रही है कि एक बहुत मुश्किल चुनौती भरा समय निकला है। और अगर अब कोरोना का जो लहर हम महसूस कर रहे हैं कि इस समय हम इससे बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छी सुखद बात है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी क्या अभी निशाने पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे या फिर निशाना चेंज हो जाएगा? नहीं देखिए, निशाना वाली कोई बात ही नहीं है विजेंद्र जी। मैंने कहा ना, इस अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जैसे अभी बता रही थी ज्योति जी कि जो गांधी भी अध्यक्ष रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक स्वर्णिम दौर था जब हमने देखा सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर गोविंद वल्लभ पंत जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बहुत गौरवकालीन का इतिहास रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो ऑलमोस्ट 69 से लेकर के लगभग जो है गांधी परिवार के पास ही रही है। एक थोड़ा सा कालखंड अगर हम छोड़ दें नरसिम्हा राव जी का, तो पूरा जो कालखंड है उसमें गांधी परिवार का दबदबा रहा है। अब ये इनको तय कर रहा है, इनका आंतरिक मैटर है कि इसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं, परिवार से रखते हैं रखते हैं। लेकिन जनता सब समझती है, जो जनता चाहती है ना उसकी भावना के अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो है धीरे धीरे सिमट रहे हैं। नहीं, जनता के अनुरूप तो बहुत से काम इस वक्त भी नहीं हो रहे हैं। जनता थोड़ी ना चाह रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, जनता थोड़ी ना चाह रही है कि महंगाई बढ़ जाए। रघुवीर मीना जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। अब तो ये मानकर चलें कि कम से कम इस बयान के बाद सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं, जिनको कोर ग्रुप कहते हैं, जो डिसीजन पावर रखते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो कम से कम अब मीडिया के सामने आकर इस तरीके के बयान नहीं देंगे जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो। बिल्कुल नहीं कहेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया आज कि ये जो नाम दिए जाते हैं कि G1 ना G21 ना G33 ना जो भी नाम है, ये कोई इसका महत्व नहीं है और पार्टी में किसी तरह का फ्रैक्शन नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है। पार्टी व्यवस्थित रूप से चले, इस देश के लोकतंत्र को बचावे और देश को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी मिली है, विकास हुआ है। तो आज जिस तरह से फांसीवादी ताकतें, अच्छा सर एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। सबसे मजबूत छाता कांग्रेस के लिए कौन सा, जिसके नीचे कांग्रेस एकदम एकजुट है, सोनिया गांधी के रूप में या राहुल गांधी के रूप में, मजबूत छाता कौन सा है? देखो ये गांधी परिवार जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का छाता है, इस पूरे देश में एक रखा है, इस अम्ब्रेला के नीचे सारे विकास हुए हैं, सारा देश हुआ है। अब पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी का कोई या देश का कोई प्रधानमंत्री गांधी परिवार का तरह ही नहीं है जी। तो फिर इतना बड़ा दर्द पेट में बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए जी, और आदर करना चाहिए, उस देश का इतने बलिदान दिए हैं, इनके परिवार में कोई बता दे किसी ने इस देश के लिए बलिदान दिया जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महेश जी आपका भी शुक्रिया, ज्योति जी आपका भी शुक्रिया और आशीष जी आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन कांग्रेस के नेताओं के जरिए खड़ा किया गया, आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहते हुए कि वही पूर्णकालिक अध्यक्ष है, उस कंफ्यूजन को कांग्रेस के अंदर खत्म करने की कोशिश की। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।